नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपांशु शर्मा है। मैं BIMR हॉस्पिटल में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। अब जैसा कि हम जानते हैं, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे समय में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। किडनियों में स्टोन बनने की संभावना अधिक हो जाती है, पेशाब के इन्फेक्शन की संभावना अधिक हो जाती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमको इस समय में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमको अपने साथ एक पानी की बोतल लेके चलना चाहिए, जिससे समय समय पर जब भी हमें प्यास लगे तो हम पानी पी सकें, जिससे कि हमारे पेशाब के रास्ते में बैक्टीरिया चिपक नहीं पाए और हमको इन्फेक्शन ना हो। इसके साथ ही इससे हमको यह भी लाभ होगा कि हमारी किडनी में स्टोन नहीं बनेगा। किडनी में स्टोन के जो लक्षण होते हैं वो पेट में तेज़ दर्द होना, साथ में उल्टी जैसा महसूस होना और पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। ऐसे किसी भी लक्षण होने के संबंध में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर किडनी स्टोन आपकी किडनी में आता है तो उसका इलाज दवाई से भी संभव है, और यदि बड़ा स्टोन है या कहीं फंसा हुआ है तो उसको दूरबीन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। हमारे अस्पताल में अत्यधिक दूरबीनें उपलब्ध हैं और ऐसे किसी भी ऑपरेशन को सहजता से हम कर सकते हैं। धन्यवाद।